देश में प्रेम मोहब्बत भाईचारा सद्भाव रहेगा तो मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा। ये तो आप जान सकते हो कि ये भावना जो है, जो गांधी की भावना थी, अहिंसा के हथियार को लेके गांधी जी ने देश को आज़ाद करवा दिया। वही भावना राहुल गांधी ने कहा कि प्यार मोहब्बत भाईचारा रहना चाहिए आपस में, जातियों के बीच में, धर्म के बीच में। जब झगड़े होंगे वो परिवार भी ऊपर नहीं उठ सकता है। गांव में झगड़े होते हैं वो गांव नहीं बढ़ सकता आगे, वही लागू होती बात देश के लिए, प्रदेश के लिए। आज माहौल जो है देश में वो बहुत ही खतरनाक माहौल है, चिंता लगी हुई है, अविश्वास पैदा हो रहा है आपस के अंदर, तनाव की भावना है जातियों में, वर्गों में, धर्म के नाम पर, उचित नहीं कहा जा सकता। एक तो इंदिरा गांधी थी जिसने अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया देश में। एक प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक महिला थी, वो महिला थी, छीना छन्नी कर दिया उनका, वो मंजूर था उनका, खालिस्तान नहीं बना देश में। राजीव गांधी शहीद हो गए, उनको बम से उड़ा दिया गया, जो चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो। तो बड़ा त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का भी। आज़ादी के पहले भी दस दस साल तक पंडित नेहरू जेलों में बंद रहे थे। आज तो नेताओं को उनका नाम लेते हुए शर्म आती है, गांधी को, अम्बेडकर को, पंडित जी को, सरदार पटेल को, मौलाना अबू कलाम आज़ाद को, बड़े बड़े नेताओं को उस वक्त के, उनके नाम नहीं लिए जाते हैं अब, क्योंकि राजनीति है इसलिए नाम लेना शुरू किया गया कुछ लोगों ने, नेताओं ने। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के माहौल में हम लोग आज चल रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी का जो यात्रा का जो कार्यक्रम था उसने पूरे देशवासियों को संदेश दिया है। और मैं अपील करना चाहूँगा प्रदेशवासियों से, घर घर के अंदर जो उनकी अपील है वो जनहित की अपील है, जनता के हित की अपील है। चाहे महंगाई की मारो, हमने अपना महंगाई राज शिविर लगाया हम लोगों ने, स्वास्थ्य का बीमा कर दिया 25 लाख का कर दिया हम लोगों ने, हिंदुस्तान में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा राइट टू हेल्थ। दुनिया के मुल्कों में कहीं भी स्वास्थ्य का अधिकार कानून नहीं बना है जो मैंने बनाया राजस्थान के अंदर। 25 लाख तक का बीमा कर दिया इलाज का, कितना आराम हो गया। अब गहने नहीं बेचने पड़ेंगे आपको, गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे मकान आपको, माँ बाप की सेवा करोगे, माँ बाप को जिंदा रखने के लिए, बूढ़ा हो जाएगा माँ बाप, डॉक्टर जवाब दे देता है बचेंगे नहीं, तब भी हमारे इतने अच्छे संस्कार है कि हम 1 लाख खर्च कर देंगे, 2 लाख खर्च कर देंगे, मेरे माँ मेरी बाप बचने चाहिए, मकान बिक जाए, गहने बिक जाए, परवाह नहीं करते हम लोग, वो लोग हम हैं। अब आपको गहने बेचने की जरूरत नहीं है, गिरवी रखने की जरूरत नहीं मकान को, सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा इलाज माँ बाप का भी, आप सबका भी, पूरे परिवार का इलाज सरकार ने कराना जी, गारंटी ले ली है, कानून बना के गारंटी ली है, जो कानून अरुणा राय जी बैठी हुई है, ये अरुणा राय जी की, सोनिया गांधी जी का ही कमाल था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जमाने में, आज़ादी के बाद पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई, RTI RTE राइट टू एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और सबसे बड़ा नरेगा, महानरेगा। महानरेगा ने तो मैं इतिहास बना दिया, वरना महानरेगा नहीं होता। तो लाखों लोग जो पैदल चले थे कोरोना के अंदर, आप हम देखते थे टीवी के अंदर कितने लोग मर जाते अगर ये आपका नरेगा नहीं होता, तो सबको रोजगार दिया है। तो अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी हमने, उसको अपनाया है राजस्थान के अंदर, राइट टू मिनिमम इनकम एक्ट बना दिया देश में कहीं नहीं है, राइट टू हेल्थ बना दिया देश में कहीं नहीं है, गिग वर्कर्स का आइडिया भी निकी डे अरुणा राय जी ने दिया था राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, पहला राज्य राजस्थान देश के अंदर है, पूरे देश में आर्टिकल आ रहे हैं उसके। गिग वर्कर के लिए 200 करोड़ रुपये का मैंने बनाया फंड, अभी साथ में वेलफेयर फंड के अलावा एक्ट बन गया उनके लिए, अभी कहा निखिल डे ने जल्दी नियम बनाओ, मैंने इमीडिएटली मैसेज भेज दिया मेरे ऑफिस को, SMS कर दिया, आजकल मोबाइल का ज़माना है,
मोबाइल का जमाना है, ये राजीव गांधी का सपना था कंप्यूटर का, मोबाइल का, इंटरनेट का। 40 लाख महिलाओं को मैंने कल प्रारंभ किया है मोबाइल स्मार्टफोन देना, और ये जब पूरा फिर हो जाएगा 80 लाख महिलाओं को और मैं मोबाइल फोन दूंगा सबको, 80 लाख महिलाओं को। और नाम लिखा इंदिरा गांधी के नाम थे, क्योंकि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी देश की। पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और बांग्लादेश बना दिया उस जमाने के अंदर। वो महिला सशक्ति दुनिया में नाम किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनके नाम का महिलाओं का सशक्तिकरण हो राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, उस दिशा में हमने आगे बढ़ के उनका नाम लिखा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। 40 लाख का कल प्रारंभ हो गया है, कैंप लगने लग गए हैं। 15 अगस्त से हम लोग गरीब जो महंगाई है उसको लेके हम लोग किट बांटने जा रहे हैं, नाम है उसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।